सिवनी जिले में मृतकों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। मामला जिले की जनपद पंचायत खिंसौर अंतर्गत ग्राम पंचायत बालपुर के तिनसरा गांव का है। तिनसरा गांव के रामदयाल सयाम ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए आवेदन में लिखा कि उसके पिता गुरगुलाल की मौत वर्ष 2013 में हुई। उसके बाद उनकी परिवार आईडी से ग्राम पंचायत सचिव और जनपद पंचायत के अधिकारियों ने मिलकर मृत पिता के नाम से आवास योजना के नाम पर अफरा तफरी करते हुए उसका लाभ गांव के अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2013 में हो गए। तो आपके नाम से क्या आया था? मकान आया था पिताजी के नाम। हाँ। तो नहीं मिला। फिर किसने बना लिया? जी तो पता नहीं, जी लाल के नाम से आ गया, भूल रहे। लिस्ट में आपका नाम है। जब हमारी टीम ने इस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन की तो पाया कि ग्राम तिनसरा में गुरगुलाल नाम का एक ही व्यक्ति था जिसके नाम पर अन्य फर्जी हितग्राही को गुरगुलाल बनाकर योजना का लाभ दे दिया। इस मामले में मृतक के पुत्र रामदयाल सयाम ने जिला कलेक्टर को भी शिकायत की है। तो दूसरी ओर इस पूरे मामले पर जनपद पंचायत सीईओ जांच कर कार्यवाही की बात कह रहे हैं। मामला सर यहाँ से लिस्ट मिली जनपद से प्रधानमंत्री आवास वाली, वो सूची की मैंने ग्राम सभा रखने के बाद ग्राम सभा अनुमोदन की जी। तो अनुमोदन में गया लाल के नाम से हुआ जी, गिरदू के नाम से नहीं। उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं। तो सर परिजन आरोप लगा रहे हैं तब वो तो मतलब उसी समय लगा लेते हैं, जानकारी पहवास्ती को हमें नहीं कि गिरदू का नाम है कचका है। तो उन्हीं लोगों ने मतलब ग्राम सभा के लोगों ने पारित कर दिया।